हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वजीहा नूर। कैसी मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी फैमिलीज के साथ हैप्पी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को हैप्पीली इन्जॉय कर रहे होंगे। कमेंट आया था कि जी डेली व्लॉगिंग करें, डेली व्लॉगिंग करें। डेली व्लॉगिंग का इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे, वरना तो ज़रूर करती, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था कि आप लोगों के लिए, अच्छा मौका था कि मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉगिंग करूँ। लेकिन क्योंकि जब घर में काम हो रहा होता है ना, तो फिर इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप प्रॉपर वीडियो बनाएं, उसको एडिट करें और अपलोड करें। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलता था, ये बस चाय पीने के लिए जाते थे, थोड़ा फ्री टाइम नज़र आता था तो जल्दी से जाके क्लिप्स ले लेती थी, या फिर भाई को बोलती थी और तीन को बोलती थी कि जल्दी से मुझे क्लिप्स जो हैं ये वाले रिकॉर्ड करें, अब बताएं कि क्या हो रहा है, बस रिकॉर्ड करके ले आएँ। तो भाई भी ले आते थे और मदीन भी, तो कुछ क्लिप्स आपको जो देखने को मिलते हैं इस तरीके के, वो जो हैं वो बना रहे थे भाई और मदीन। और जब अकेले में मुझे टाइम मिलता था तो फिर मैं ख़ुद बनाने चली जाती थी। तो इस तरीके से आपको दाशा लगा के ना, मौका दे के तो वीडियो बनानी पड़ती है, तो इस तरह से रोज़ वीडियो नहीं बन सकती। तो छोटे छोटे क्लिप्स लेती थी मैं और फिर उनको मैं एडिट करती थी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा था, प्लम्बर्स लगे हुए थे, टाइल लग रही थी, पेलिंग लग रही थी, आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूरी होते थे, जो चीज़ें लेने जाने के लिए मुझे झेलम जाना पड़ता था और पूरी पूरी रात जागना पड़ता है क्योंकि लेबर्स काम कर रहे होते हैं। तो इस पूरे रश में ना टाइम नहीं मिलता कि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूँ। दिल बहुत करता है लेकिन मौके की नज़ाकत को देख के चलना पड़ता है। सो चले बैक टू द पॉइंट। हालांकि वॉशरूम के बाद, मेरे वॉशरूम का टाइम था, उसका वर्क हो रहा था, टाइल लग रही थी, मैंने प्रॉपर कुछ और नहीं करवाया, जस्ट टाइल चेंज करवाई थी, डब्ल्यूसी चेंज करवाई थी और छोटी मोटी चीज़ें बस। और फिर जी जैसे मेरे रूम के बाद, सॉरी वॉशरूम के बाद मेरे रूम की बारी थी, तो फिर मुझे अपने रूम को करना था खाली। तो इसकी चीज़ें जो है वो मैं समेट रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ कहीं और, ख़ुद भी शिफ्ट हो जाऊँगी। तो जितना भी शीशा था, जितने भी मेरी शीशे के बर्तन थे, वो मैंने कैबिनेट में, किचन कैबिनेट में इस तरीके से रख दिए थे। हालाँकि जब किचन में काम हुआ था ना, मुझे डर था कि ख़राब हो जाएंगे बर्तन, लेकिन बचत हो गई। वो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाऊँगी किचन का जो काम हुआ है, यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया वो भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा ना सारे काम जब अच्छे हो जाते हैं तो एक बीच में ना, पंजाबी में कहते हैं ना, नज़रपन, वो हो जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा काम होता है ना मेरा, वही चीज़ मेरी थोड़ी सी ना ख़राब हो गई। कोई बात नहीं है, नज़र नहीं लगती तो जी मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो बर्तन समेट रही हूँ। ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है आपके। सो हो गया मेरा काम, चीज़ें मैंने खाली कर ली हैं, रूम जो है वो अब उसमें सिर्फ फर्नीचर पड़ा हुआ है, जो भाई लेबर्स के साथ मिलके जो है वो निकाल लेंगे। तो अभी टाइम हुआ है भाई के अनार खाने का, तो यहाँ पे हम दाने निकाल रहे हैं और देंगे भाई को, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट और फिर हम अपना निकाल लेंगे कमरे से बाहर बेड। अच्छा, बेड की बात की जाए अगर, तो मैं सोच रही थी कि बेड को चेंज करूं, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी इसको करते हैं रेनोवेट, क्योंकि इसका जो क्राउन है ना, ये मुझे बहुत बड़ा लगता था। मुझे छोटी छोटी स्मार्ट सी लुक की जो चीज़ें आती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो हमने सोचा इसको करवाते हैं हम रेनोवेट, थोड़ी सी चीज़ें रद्दो बदल करके। तो अभी तो मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, तो अभी जब मैं अपना रूम सेट करूँगी उसके बाद फिर हम न्यू बेड खरीदेंगे। तो जब खरीदेंगे तो अभी बताऊँगी आपको। तो यहाँ भाई और मियाँ जी दोनों ने मिलके मेरी बड़ी हेल्प की है और यहाँ से हमने चीज़ें निकाल दी थी। तो ये मेरे रूम का मसला था और ये सबसे बड़ा मसला था जिसकी वजह से मैं काम करवा रही थी। तो ये जी सेम का मसला है, पूरे रूम में यही हाल था। आए रोज़ हर 15 दिन के बाद मैं डिस्टेंपर उठा के तो अपने रूम में काम कर रही होती थी, और 10-15 दिन भी नहीं गुजरते थे कि ये दोबारा से हाल हो जाता। तो इसमें तंग आ गई, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप पेलिंग करवाएं, मेरी नंद ने भी कहा पेलिंग करवाएं। फाइनली हमने लिया डिसीजन, तो हमने पेलिंग जो है वो ले ली। कौन सी ली है मैंने वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो रूम हो चुका है मेरा खाली, ड्रेसिंग टेबल भी खाली हो चुका है, अलमारी जो कबर्ड वार्डरोब वगैरह सब कुछ खाली हो चुका है। अब सिर्फ इन्हें निकालेंगे रूम से बाहर, तो मैंने रूम साफ़ करके इनको दे दिया, अब ये जाने इनका काम जाने
तो अभी पता नहीं इन्होंने कबर्ड और वार्डरोब निकाली नहीं है तो ये काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरे रूम का काम बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब मैं कहती हूँ कि जितना छोटा मेरा रूम था ना, इसने बड़ा तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया सीरियसली। तो वॉशरूम की टाइल्स लगी थी, अब इसमें फिलिंग रह गई है। तो जैसे जैसे साथ रूम में इसकी फर्श की तोड़ फोड़ हो रही है तो साथ में जो है वॉशरूम की फिलिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो अच्छा, जितना मटेरियल एक फर्श में होना चाहिए ना, ये उससे बहुत ज़्यादा था, इसीलिए तो मसला हुआ है इसको घेरने में। तो ये बेचारे, इस बंदे की हिम्मत है और दाद देते हैं इसको कि इन्होंने ये काम कर लिया। तो अब बाकी जो सामान रह गया था ना, वो पता नहीं इन्होंने लेट क्यों निकाला, मुझे तो ये नहीं समझ आई, लेकिन चलें निकाल लिया। खैर देखें, मैं छुप छुप के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो जैसे जैसे क्लिप्स रिकॉर्ड होते हैं तो उनको मैं एक साथ में, क्योंकि डेली तो इतना काम नहीं होता ना, तो फिर मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड करती हूँ, ऐसे ही भेजती हूँ। अच्छा जी, ये हाल था तब का जब, हालांकि वॉशरूम में काम हो रहा था और सामान भी आया था, मेरी पैलिंग सारे घर की जितना भी सामान था वो इस रूम में था। तो उन्होंने वॉशरूम का काम स्टार्ट करने से पहले ना इतना भी नहीं सोचा कि फर्नीचर के ऊपर हम उसको मतलब कवर कर दें। तो कवर नहीं किया, मेरा सारा फर्नीचर ख़राब हो गया, इतनी डस्ट, इतना गंद। और वाकई में अपना देख के ड्राइंग रूम बहुत बहुत परेशान हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो काम करने वाले, मतलब जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं ना, जो गलियों में भीख मांगते हैं, वो आई हुई थी और वो जान ही नहीं छोड़ रही थी। तो भाई ने कहा कि आप आएँ और काम करें, तो उसके बाद फिर आप जितने पैसे कहेंगे हम आपको देंगे। ये एक लेसन है, ये एक आइडिया है जो आप लोगों तक भी मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ। कभी भी किसी भी इंसान को आप आदि मत बनाएं वेले बैठ के खाने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की। उनको सिखाएं कि जब अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी हुई है, हाथ पाँव दिए हुए हैं, तो मेहनत करें, क्योंकि मेहनत में बरकत होती है, तो इज़्ज़त भी होती है, आप बड़ी डिग्निटी होती है यार कमा के खाने में। तो भेर जी, इन्होंने जितने पैसे कहा हमने उनको इतने पैसे दिए, बल्कि उससे ज़्यादा दिए। तो नेक्स्ट दफ़ा ये दोबारा से आए थे तो मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसा लगा आज काम करके कमाने में, और डेली आप कितना कमा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाजी, हम डेली जो है वो यही कोई 100-200 या 300 ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेते हैं। तो मैंने कहा कि कैसा लगा काम करके कमाना, अच्छा होता है या फिर हाथ फैला के? तो उन्होंने कहा कि काम करके कमाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो नेक्स्ट दोबारा से ये आई थी, और फिर जैसे जैसे हमने कहा कि 3-3, 4-4 दिन के बाद दोबारा आप आए काम करें और पैसे ले लें, तो ये आती हैं, अभी भी आती हैं, तो उनसे काम करवाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने जाना था झेलम, काम था, मुझे चीज़ें चाहिए थी, बड़ी ही मैंने मुश्किल से 2 घंटे निकाले, और शॉपिंग शादी की करनी थी इसलिए। तो वहाँ जाने से पहले मैंने अपने बेड को देखा, तो देखा कि कैसा बना रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। वो देखने के बाद हम चल पड़े हैं जी अपनी शॉपिंग के लिए, और सिर्फ 2 घंटे। तो जल्दबाजी में जो काम होते हैं ना, उनका यही नुकसान है, या तो चीज़ें गलत हो जाती हैं या इनकम्प्लीट हो जाती हैं, और मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई। जो मैंने ड्रेस लेना था, तो मैंने सोचा था कि मैं, टाइम तो है नहीं कि स्टिच करवाऊँ, तो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, तो मुझे स्टिच सूट ही लेना था, जो कि मैंने ले लिया, मियाँ जी के ड्रेसेस ले लिए, और उसके बाद कुछ शूज़ और छोटी मोटी चीज़ें ली थी। घर आए तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने देखा तब कि मैंने जो ड्रेस लिया है उसके बाजू जैसे समझें कि स्लीवलेस थे, मुझे उसके लिए दोबारा झेलम जाना पड़ा। बाकी की चीज़ें जो रह गई वो भी ख़रीदी, और अपने ड्रेस की जो बाजू हैं वो मैंने मैच करके ली, क्योंकि रॉ सिल्क थी, रॉ सिल्क जो है वो हमारे इस एरिया में नहीं मिलती है, तो उसके लिए झेलम जाना बहुत ज़रूरी था। वापसी पे आए तो यहाँ पे मियाँ जी के खद्दर और करंडी का था ड्रेस, और इसको करना था स्लिंग। स्लिंग करने के बाद क्योंकि ये पूरी रात भिगो के रखना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो स्टिच करते हैं। तो मेरा जो आपने पहले ग्रीन देखा वो मेरा ड्रेस था, और ये वाइट और ब्लू मतीन का के ड्रेसेस हैं। तो ये ब्लू मैंने स्लिंग तो कर ली, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा शादी के लिए, तो मुझे एक और इसके अपोजिट जो है वो ड्रेस मैंने फिर स्टिच करवाया। तो ये पूरी रात मैंने भिगो के रखी, और नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको ड्राई करने के लिए फैला दिया धूप में स्पिन किए बगैर। तो उसके बाद फिर मैंने ये भेज दिए दर्सी को। तो गुड मॉर्निंग, ये था नेक्स्ट डे, और
यहाँ पे फिर मुझे मिला मौका और मैं भागी आई। तो यहाँ पे इन्होंने कच्चा किया है क्योंकि टाइल्स लगाने के लिए ऐसा करना होता है। तो यहाँ पे ये वाली है मेरे रूम की ताज़ा ताज़ा तरीन सूरत हाल। उसके बाद मैं गई अप्पू जी के घर, क्योंकि अप्पी ने कहा था मेरे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए गई। तो क्योंकि कटिंग करवानी थी भाभी ने और बाजी दोनों ने, और मज़े की बात कि मैं ट्राईपॉड ले जाना भूल गई और बस ऐसे टूटी फूटी सी वीडियो बनी। तो प्रॉपर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जस्ट आप लोगों के लिए जैसे छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ, तो बस ये भी एक क्लिप बनाया कि मैं कटिंग कर रही हूँ। प्रॉपर मैंने नहीं शेयर किया तरीका, नेक्स्ट कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बाजी ऊपर नीचे आड़ी तिरछी बस जैसी वीडियो बना रही थी बन गई और बाजी के टाइम पे कोई बंदे ही नहीं मिला। तो हाफ टाइम में आके जो है वो भाई ने मूसा ने जो है वो बनाई वीडियो। तो अच्छा जी, ये जो मैंने कटिंग की है ये फेस फ्रेमिंग है, ये हर फेस के लिए सूटेबल होती है। तो ये भाभी के जो आप देख रहे होंगे छोटे बाल, ये कटिंग ही इतनी रखती है, शोल्डर लेंथ होती है इनकी। तो मैंने इनकी कटिंग कर दी जैसे कि इनकी मैं करती हूँ। तो भाभी की, बच्ची की, अपनी कज़न की, भांजियों की मैं ही कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली और अब फ्रंट जो हमारे बैंग होता है वो बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ और मूसा जो है वो अपनी जुई हशमी की और कालू मियाँ की बना रहे वीडियो। तो इसके बाद हमने एंजॉय की बिरयानी। तो जब भी मैं घर जाती हूँ, हमारे घर में ये एक ज़रूर चीज़ होती है कि हम एक बड़े बर्तन में सारा खाना इकट्ठे रखते हैं और अपनी स्पून लेके एक गिर बैठ जाते हैं, हम सब मिल के खाते हैं। क्योंकि मेहनत और मिल के खाने में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।